नमस्कार। बढ़िया किसी भी दाल की हों, सब्जी की जगह बनाई जाती रही हैं। आज हम मूंग की दाल की बढ़िया बनाना बता रहे हैं। सामग्री: एक कटोरी मूंग की दाल, 3-4 घंटे भिगोकर फुलाई हुई, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, 2 साबुत लाल मिर्च, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 चुटकी हींग भुनी हुई, 1 चम्मच जीरा, 1 सफ़ेद वायल का टुकड़ा धोकर साफ किया हुआ। बढ़िया ठंड के मौसम में ही बनाई जाती हैं, खासकर दिवाली से होली के पहले तक। सबसे पहले एक छलनी में दाल डालकर इसका पानी निकालेंगे। अब इस दाल को मिक्सी में पीसेंगे और इसके साथ ही इसमें जीरा, मिर्च और हींग भी डाल देंगे। अदरक बाद में डालेंगे। मसाले डालने से बढ़िया और भी स्वादिष्ट हो जाती हैं। मूंग की दाल खाना जिन्हें पसंद है, वे स्वाद बदलने के लिए इन्हें दाल की जगह कभी कभी बना सकते हैं। दाल पीसते समय पानी नहीं डालना है। अब इसे थोड़ा पीसकर चम्मच से पलटेंगे और इसके बाद इसमें अदरक भी डाल देंगे। सारा मिश्रण दरदरा पीस लेंगे। अब यह मिश्रण तैयार हो गया है। इसे एक बर्तन में डालेंगे। अब इस मिश्रण को फेंटेंगे और इसे थोड़ा पानी में डालकर देखेंगे। यदि ऊपर सतह पर आ जाए तो यह बढ़िया बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब एक थाली या छलनी में कपड़ा थोड़ा गीला करके बिछाएंगे और हाथ से इस मिश्रण की इस तरह से छोटे आकार की बढ़िया बनाएंगे और इन्हें धूप में 2-3 दिन तक अच्छी तरह से पलटा कर सुखा लेंगे। बढ़िया निकालते समय कपड़े में चिपकने पर कपड़े के पीछे हल्का सा पानी लगाएं, आसानी से निकल आएंगी। इन्हें प्लास्टिक शीट पर ना बनाएं, क्योंकि बढ़िया निकालते समय थोड़ा प्लास्टिक भी बड़ियों में आ जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इन्हें धूप में 2-3 दिन तक अच्छी तरह से सुखाएंगे। यदि जल्दी सुखाना है तो इनका आकार और छोटा भी कर सकते हैं। सूखने पर इन्हें डिब्बे में भरकर रख लें। बारिश के दिनों में खराब होने का अंदेशा हो तो इन्हें भून कर रख लें। इन्हें सब्जी के जैसे या सब्जी में डालकर बनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।